Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Mahima Gallery. So finally I'm back after 5 months. मतलब मैं 5 महीने बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ. सो आज हम ऑर्चर्ड्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लावर्स थोड़े बहुत. चलो आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सबसे पहले इसी ऑर्चर्ड से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर क्या क्या है. यहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स है. वेजिटेबल को एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बोले तो ओलेरिकल्चर. एंड कुछ स्टोन फ्रूट्स है, मैक्सिमम स्टोन फ्रूट्स है, बाकी थोड़ी बहुत फ्रूट्स भी है, एप्पल, पियर्स एंड इसको बोले तो क्या बोलते हैं दीदी, पोमोलॉजी. पोमोलॉजी साइंटिफिक नेम के पीछे मेरी सिस्टर का हाथ है बिकॉज आई डोंट नो अबाउट साइंटिफिक नेम्स बिकॉज उसने तो. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स है लाइक कैबेज, टोमेटो एंड जो जो भी दिखाऊंगी आपको. सबसे पहले कैबेज है. ये कैबेज के थोड़ी बहुत प्लांट्स लगे हैं, 15 to 20 होंगे आई थिंक. सो टोमेटो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रैसिका ओलेरेसिया. हाँ, ब्रैसिका ओलेरेसिया. चलो आगे चलते हैं. आगे है यहाँ पर ये है टोमेटो. ये टोमेटो के प्लांट्स हैं. ये भी थोड़े बहुत है अपने लायक लगाए हैं बस. मतलब ये वेजिटेबल्स सिर्फ हमारे खाने लायक हो जाए, ज़्यादा नहीं. इसके भी थोड़े बहुत प्लांट्स हैं बस, होंगे 10 to 15. ओके, तो अब इस प्लांट को देखो, ये अभी छोटा है ना? तो ये प्लम का प्लांट है, स्टोन फ्रूट. तो इस पूरे ऑर्चर्ड में ये प्लम के ही प्लांट्स लगे हैं. इस बार मेरे डैड ने प्लम के प्लांट्स लगाए हैं, 500 to 600 समथिंग. हम आपको दिखाएंगे जाते जाते सारे में लगे हैं यहाँ पर मतलब 3 लाइन का. उसके पूरे ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा प्लम के ही प्लांट्स हैं. तो अभी इसकी तरफ चलते हैं. अब यहाँ पर ये है एप्रिकॉट, इसको बोलते हैं पिछली मतलब अभी भी खाते हैं, कच्चे होते हैं क्रीम क्रीम पे, इसको नमक मिर्च के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है. मैं आपको एक वाइट फ्रूट दिखाती हूँ. ये जब हम छोटे होते थे तो हम इसे स्ट्रॉबेरी बोलते थे और हमने ये बहुत ज़्यादा खाया. चलो आगे चलते हैं. लेट्स गो गाइस. ये आप येगा प्योट्री, छोटे छोटे नाशपाती, नाशपाती क्या बोलते हैं यार, नाशपाती. और ये पियर का ट्री. पोटैटो, पोटैटो के प्लांट्स. साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसा. सोलेनम ट्यूबरोसा. चलो ये भी बस थोड़े बहुत ही खाने लायक. एंड ये आप देख रहे हो, ये है फिग. मतलब ये अभी कच्चे है, हरा ही है सब कुछ यार, कुछ नहीं पका. इसी क्या होता है इसका एक, ये बताती हूँ आपको. ये है, ये मैंने तोड़ा, इसी ये निकल रहा है वाइट वाइट जो भी है. अगर जहाँ से हम कटे होते हैं अगर हम उस पे लगा दें इसको तो वो ठीक हो जाता है.
ये मुझे दादी ने बताया, दादी का नुस्खा। पालक की सब्जी, पालक प्लांट कर सकते हैं। हम वहाँ पर थे नीचे वाले ऑर्चर्ड में और हमने सेकंड वाला छोड़ दिया, वापसी में जाएंगे वहाँ पर। ये थर्ड वन, थर्ड वन। एंड ये है धनिया, कोरिएंडर, और ये है मेथी, इसकी सब्जी भी बनती है। ये देखो मेरा मटर का बगीचा, पूरे ऑर्चर्ड में मटर ही मटर है, सारे मटर हैं। मटर, अब हम एक मटर खाना तो बनता है ना, इतना दूर हम चल के आए। दिस अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक इतने ज़्यादा मटर खा के पेट में दर्द होएगी, तो हम इसे बेच सकते हैं। ये पीच का ट्री है, तो जब मैंने यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे पीचेस लगते थे, बट अभी तो ये सूख गया है, बुढ़ा हो गया है, फिर भी काफ़ी लगे हैं हरे। ये पर सब कुछ कह रहा है, कब खाएंगे हम? अभी हम यहाँ से शॉर्टकट मार के हैं क्योंकि उधर से रास्ता बहुत लंबा था, तो आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, ये एप्पल का ट्री है। तो पहले पूरे ऑर्चर्ड में एप्पल के भी ट्रीज होते थे, बट अभी ये सूख गया है, मतलब नहीं मैथी चला गया, तो पुराना हो गया काफ़ी ट्री इसकी, इसको इसको देख सकते हो आप, टूट चुके हैं, बट फिर भी इसमें लगे एप्पल थोड़े बहुत, मतलब ये भी इतना होता है कि हम बेचते वगैरह कुछ नहीं, ये खाते हैं बस, अपने लायक हो जाते हैं सब कुछ। हम आगे जाएंगे, आपको भी वो दिखा दो, अच्छा है वो जंगल है, पार्क हो, वो कुमार सिंह, क्यों कुमार सिंह का एरिया है, ये है अपना सुनने का एरिया। चलो भागेंगे, ये मैंने जल्दी इसलिए जल्दी बना दी, भी है ना ऊपर भी जल्दी इसलिए बनाई कि नीचे मटर लगाया, फिर ये तोड़ लेंगे। अभी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्लॉग देखना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि बाद में ये जब सब कुछ पक जाएगा, फिर आप अपने टाइम पे पकेगा, फिर कैसे बनाऊँगी, अभी देख लो कच्चा कच्चा कितना बिल्ला टाइम है। यू कैन सजेस्ट मी समथिंग इफ यू वांट टू सी, लाइक कोई और भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो किस चीज़ पे, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि किस चीज़ पे आप व्लॉग देखना चाहते हो, तो डैम।
सोचा मतलब मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं बना पाऊँ, मतलब मैं बनाई दूँगी इस तो मैं बिल्ली हूँ लॉकडाउन से। अब हम और आएंगे ऊपर वाले में, ये भी प्लम है, ये भी प्लम है, ये भी प्लम है, ये भी प्लम है। तो अभी तक था घर के उस साइड के ऑर्चर्ड एंड अब इस साइड को जाते हैं। तो हम जाएंगे नहीं, अभी शॉर्टकट में बता देती हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ एप्पल है, पियर्स है एंड यही प्लम के प्लांट्स है। प्लम के प्लांट्स नीचे बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो लगे, लीव्स लगे हैं उसमें अकॉर्डिंग टू यहाँ के प्लांट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, एप्रिकॉट, ये मीठे वाले होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। एक पेड़ ना बहुत पार पार होता था, एक पार मतलब उस साइड को, वो वहाँ पर इतने अच्छे होते थे, मैं स्पेशल एक घंटा बैठ के खाती थी, बाद में पेट ख़राब हो जाए पर पेट में चला जाता था, बहुत टेस्टी होते थे क्योंकि बड़े बड़े होते थे। ये भी अभी हम वापस आ गए ऊपर से एंड अब हम सेकंड ऑर्चर्ड की तरफ जाएंगे, जहाँ मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो बच गया है, तो अब हम उसको दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या लगा है। बाकी ये वाला मटर वाला ऑर्चर्ड है, इसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि इसको तोड़ देंगे दो तीन दिन में। पहले प्लांट्स देखो तो ये है लहसुन के, ये भी काफ़ी लगे हैं यहाँ पे, यू कैन सी धनिया और ये अंदर काफ़ी है। ये वाला प्लांट देखो, ये चने का है, चना चना चना, खोलो भाई खोलो। वाओ, एक साथ दो 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 ही होते क्या, इसमें भी दो है, इसमें भी है दो दो, भाई हम खाएगा। ये जो है ये हरी सब्जी है और ये दीदी की फेवरेट सब्जी है, ये मुझे अभी भी पता चला। एंड ये है वॉलनट का ट्री, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने लगा है एंड ये बहुत पुराना है, यू नो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का, आई डोंट नो उसको कितना टाइम हो गया लगे हुए, बट ये बहुत बड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा वॉलनट्स लगते हैं। सो जो भी मैंने व्लॉग बनाया है, मतलब ये आपको पता ही होगा ये सीज़न के अकॉर्डिंग लगा है, जो कुछ भी मैंने दिखाया वेजिटेबल्स फ्रूट्स है ना, तो सीज़न के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। तो आजकल जिस भी चीज़ का सीज़न होता है वो थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, बाकी विंटर्स में और भी बहुत कुछ लगता है, मेज़ है ना, पल्सेस है, तो बट आजकल जो है वो बस इतना ही है। और ये है पुदीना, इसका यूज़ भी काफ़ी चीज़ों के लिए होता है, जैसे चटनी। Thank you.
और मैं अब चटनी के लिए ही पुदीना तोड़ रही हूँ। सो थोड़ा आगे चल के यहाँ पर है लेमन ट्री, ये नींबू का पेड़, ये बस एक ही पेड़ लगा है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी नींबू है लग गया है। एंड लेमन ट्री से आगे पियर का ट्री है, पियर्स लगे हैं, उससे आगे एप्रिकॉट है, बाकी ऊपर को एप्पल के ट्रीज है। और अब इसकी बात करें तो ये कुछ नर्सरी प्लांट्स हैं, इसमें भी वेजिटेबल्स लगी है, लाइक करेला है, खीरा है, आई थिंक लौकी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई और भी व्लॉग आए इस तरह का तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको किस तरह का व्लॉग देखना है एंड क्या देखना है। तो आई एम श्योर मैं बनाऊँगी, आई ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। लैंग्वेज में बोले तो ऑल एरिया लैंग्वेज में बोलते हैं ऑल एग्रीकल्चर। यार हिमांश प्लीज यार। दीदी हंस रही है यार।